Jai Swaminarayan everyone, good morning to you all. Today I am going to explain you one more topic in economics, which is a new topic, and it is there in the second unit. So in the second unit, some fundamental concept and terminologies or that is related to economics are involved or are included, which you have to keep in your mind. First of all, the concept of value and price is being shown in your textbook, and here you can generally the value and price are being considered as one and the same thing, but in economic concept or in economic context it is divided and it is being considered as a different thing. तो जनरली जो वैल्यू और प्राइस होता है उसको वन एंड सेम थिंग कंसिडर किया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझते हैं. वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. वैल्यू को इकोनॉमिक्स में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है यूज वैल्यू और दूसरा जो है वो एक्सचेंज वैल्यू है. So use value generally refers to, it is referring to the usefulness of a commodity. तो कोई भी अगर कमोडिटी यूजफुल है तो उसका कुछ यूज वैल्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, दिस आर द सम ऑफ द यूजफुल थिंग विच आर बींग यूटिलाइज बाई द ह्यूमन बींग. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अबेंडेंस में पाई जाएगी, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जिसके ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. सेकेंड थिंग इज एक्सचेंज वैल्यू. द एक्सचेंज वैल्यू इज रिफरिंग टू द यूनिट ऑफ वन कमोडिटी विथ अनदर कमोडिटी इन एक्सचेंज. तो अगर एक कमोडिटी के बदले में अगर कोई दूसरी कमोडिटी ली जाती है तो उसको आप एक एक्सचेंज वैल्यू रिफर कर सकते हो. यानी कि एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के बदले अगर लिया जाए तो उसको आप एक्सचेंज वैल्यू कंसिडर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 kg ऑफ राइस और 1 kg ऑफ व्हीट इज बीइंग एक्सचेंज फॉर द 1 kg ऑफ राइस, देन द वैल्यू ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज वन दैट ऑफ 1 kg ऑफ राइस. तो अगर 1 kg व्हीट के बदले में आपको 1 kg राइस मिलता है तो जो 1 kg राइस है उसका वैल्यू 1 kg व्हीट होगा. सो दैट इज रिलेटेड टू एक्सचेंज वैल्यू. द यूनिट ऑफ वन कमोडिटी विथ अनदर कमोडिटी दैट इज देयर इन एक्सचेंज. रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू and exchange value. Before understanding this thing, the one more concept is there, that is related to price. Price is considered as a monetary consideration that is being paid in terms of money, can be called as priced. तो किसी चीज को खरीदने के लिए जो भी आप monetary consideration pay करते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी उसको आप प्राइस कंसिडर करते हो कर सकते हो. ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो इसके बीच में आता है. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू. तो एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है. सो द कमोडिटी विच इज हैविंग द use value may not have higher exchange value, but the commodity which is possessing or which is having the higher exchange value, it may have some usefulness. तो यहाँ पे दो एक्सचेंज और यूज वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कमोडिटी जो है उसका यूज वैल्यू होता हो तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसका एक्सचेंज वैल्यू हायर होगा. बट इफ द कमोडिटी इज हैविंग द हायर एक्सचेंज वैल्यू देन इट मींस इट मे हैव सम यूजफुलनेस.
लेकिन कोई भी अगर कमोडिटी जो है जिसका एक्सचेंज वैल्यू अगर हाई हो तो उसका कुछ यूजफुलनेस होता है, बिकॉज द गुड्स आर बीइंग डिमांडेड फॉर सम यूज। क्योंकि ये ऐसा इसलिए आप कह सकते हो क्योंकि जो भी गुड्स या कमोडिटी आप प्रोक्योर करते हो या परचेस करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि उसका कुछ यूज होता होगा। सो एक्सचेंज वैल्यू इज रिफरिंग टू द गुड्स और कमोडिटी विच आर स्केयर इन नेचर इन कंपैरिजन टू दैट डिमांड और सप्लाई एंड हुज डिमांड इज बीइंग एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द फ्यू पीपल। सो सच कमोडिटीज और गुड्स, द वैल्यू ऑफ सच कमोडिटीज और गुड्स कैन बी टर्म्ड एज एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू जनरली ऐसी गुड्स और कमोडिटीज से रिलेटेड होता है जो ज़्यादा अबेंडेंस में नहीं पाया जाता, जैसे कि यूज वैल्यू में जो गुड्स और कमोडिटी अबेंडेंस में पाए जाते हैं, ठीक उस तरह एक्सचेंज वैल्यू में गुड्स और कमोडिटी अबेंडेंस में नहीं पाए जाते, वो काफ़ी स्केयर होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट डिमांड एंड सप्लाई, या फिर जो उनका डिमांड जो होता है वो कुछ लोगों के कंट्रोल में रहता है। सो हियर एक्सचेंज वैल्यू इज जनरली कनेक्टेड टू सच प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज विच आर स्केयर इन नेचर। ये यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस है, और जो यूज वैल्यू होती है वो जनरली उन कमोडिटीज से रिलेटेड होती है विच आर अवेलेबल इन अबेंडेंस एंड देयर सप्लाई इज देयर, देयर अवेलेबल सप्लाई इज ऑल्सो देयर। तो यूज वैल्यू जनरली उस कमोडिटीज से रिलेटेड होती है जो आपको ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जिनके जो सप्लाई रहता है वो अवेलेबल रहता है, दैट इज रिलेटेड टू सनलाइट और एयर। पहले यूज वैल्यूज में वाटर को भी आप इंक्लूड कर सकते थे एज अ कमोडिटी, बट नाउ द वाटर इज ऑल्सो बीइंग सोल्ड, दैट वाई इट इज ऑल्सो पोजेसिंग सम एक्सचेंज वैल्यू। पहले के टाइम में वाटर जो होता था वो अबेंडेंस में पाया जाता था, लेकिन जैसे टाइम बदलने लगा वाटर की जो सप्लाई है थोड़ी थोड़ी करके कम होने लगी, और इसलिए आज पानी भी बेचा जाता है। इस वजह से आप कह सकते हो कि वाटर भी उन कमोडिटीज में आता है जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू होती है, और एक्सचेंज वैल्यू जनरली उन गुड्स से कनेक्टेड होता है जिनकी सप्लाई थोड़ी स्केयर होती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से प्रीशियस मेटल्स और ऑर्नामेंट, जनरली इनका सप्लाई थोड़ा कम रहता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज वैल्यू और यूज वैल्यू के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो समझा दिया कि जिस चीज़ का यूज वैल्यू ज़्यादा हो उसका एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जिस चीज़ का एक्सचेंज वैल्यू, द कमोडिटी विच इज़ हैविंग द हायर एक्सचेंज वैल्यू मे हैव सम यूजफुलनेस, एंड द एक्सचेंज वैल्यू इज कमोडिटी इज कनेक्टेड टू दोज कमोडिटी हुज आर नॉट फाउंड इन अबेंडेंस और विच आर नॉट देयर इन सप्लाई और देयर डिमांड। सो इन कंपेरिजन टू देयर डिमांड एंड सप्लाई देयर अवेबिलिटी इज नॉट देयर, एंड द यूज वैल्यू इज रिलेटेड टू दोज कमोडिटी और इट इज कनेक्टेड टू दोज कमोडिटी विच कैन बी फाउंड इन अबेंडेंस। यूज वैल्यू उस कमोडिटीज से जुड़ी हुई है जिनकी अवेलेबल सप्लाई भी होती है और जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि आप एयर या सनलाइट एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेस। यस, गुड्स आर टेंजिबल असेट्स और द टेंजिबल थिंग्स विच इज हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, while the services are intangible things which is not having any physical existence. So goods generally ऐसे commodities को कहा जाता है जिनका कोई physical existence होता है और उनका एक structure रहता है, जबकि services वो commodities होती है that is not having any physical structure and which cannot be touched.
So that is service, which is intangible in nature, while the commodities which are tangible and having the physical existence can be termed as goods. So goods में आप कुछ commodities consider कर सकते हो, जैसे कि ball, bat, paper, box, etc. जबकि services जो होते हैं उनको आप education, insurance, banking, etc. से interrelate कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ गुड्स. तो गुड्स के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसमें टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल गुड्स आते हैं. सो अर्लियर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट द गुड्स विच इज हैविंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी टच कैन बी टर्न्ड एज अ टेंजिबल गुड्स लाइक बॉल, बैट, टेबल, चेयर एक्सेट्रा. While the good which cannot be touched and don't have any physical existence, that can be termed as a services. तो जो commodities intangible होते हैं और जिनका कोई physical existence नहीं होता उनको आप services कह सकते हो. और इसमें banking, insurance, education से related आप example दे सकते हैं. Economic goods and non-economic goods. तो इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड विच कमांड्स द एक्सचेंज वैल्यू एंड विच आर इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन. इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं और विच आर एक्चुअली कमांडिंग द एक्सचेंज वैल्यू, जिनकी कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है. तो जनरली वो कमोडिटीज जो आप किसी मार्केट से परचेज करते हो जिनका कोई एक्सचेंज वैल्यू रहता है उसको आप इकोनॉमिक गुड्स कह सकते हो, जो किसी प्रोडक्शन प्रोसीजर से होके गुजरा हो. नॉन इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड विच आर इजिली अवेलेबल एंड विच आर नॉट गोइंग थ्रू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड विच इज नॉट कमांडिंग एनी एक्सचेंज वैल्यू. इस गुड्स की जो एक्सचेंज वैल्यू नहीं होती उसको आप नॉन इकोनॉमिक गुड्स कह सकते हो. तो जनरली नॉन इकोनॉमिक गुड्स में नेचुरल थिंग्स आ सकते हैं जैसे कि पेड़, हवा, सनलाइट एक्सेट्रा. सो दिस आर नॉट इकोनॉमिक गुड्स बिकॉज दिस आर द गुड्स विच आर प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट डज नॉट कमांड एनी एक्सचेंज वैल्यू. ऐसे गुड्स का कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं होता. Next thing is durable goods and non-durable goods. Yes, durable goods are those goods which last for a longer period of time or which can be used repeatedly. तो durable goods कुछ ऐसे goods होते हैं जिनका जो इस्तेमाल रहता है वो repeatedly किया जा सकता है and which can be used for a longer period of time. जैसे कि television, refrigerator, coat, etc. While non-durable and perishable goods are those which does not last for a longer period of time and their use is not repetitive in nature. Perishable goods कुछ ऐसी commodities है जो ज़्यादा जल्दी perish हो सकते हैं या फिर ज़्यादा जल्दी से dilute हो सकते हैं, जिनका यूज जो है वो रिपीटेटिवली नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल दिस मिल्क और एनी ड्रिंकेबल प्रोडक्ट. प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स. यस, द प्राइवेट एंड पब्लिक गुड, द नेम इट्सेल्फ सजेस्ट इट्स मीनिंग. तो प्राइवेट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इंडिविजुअल खुद ओन करता है. It is having two characteristics. It possesses the two characteristics, that is excludability and competitiveness. So if any equipment or if any product is being purchased by someone, the other individual will not have the ownership of the same product at the same time. So यहाँ पे private goods ऐसे goods होते हैं जिसकी ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास होता है, जिसका ओनरशिप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास रहता है.
For example, if a child purchase a biscuit from the market, the same product cannot be owned by any other child at the same time. तो अगर कोई लड़का जो है किसी मार्केट से अगर बिस्किट परचेस करता है तो उसकी जो बिस्किट जो है उसकी ओनरशिप किसी और को उसी वक्त नहीं मिल सकती. नेक्स्ट इज पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द जनरल पब्लिक. मीन्स द कलेक्टिव कंजप्शन और द कलेक्ट जॉइंट डिमांड एंड कलेक्टिव कंजप्शन इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स. यानी कि पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जॉइंट डिमांड रहता है, सभी में डिमांड होती है और जिसको कलेक्टिवली सब कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीन्स कलेक्टिवली कंज्यूम करते हैं इन द सेंस के उसका यूज सब लोग करते हैं, जैसे कि गार्डन, पब्लिक गार्डन और द गार्डन विच इज देयर इन द हाउसिंग सोसाइटी. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड. द गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ द कंज्यूमर कैन बी टर्म्ड एज अ कंज्यूमर गुड्स विच इज गोइंग थ्रू द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल कुक्ड फूड. तो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की किसी नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और जो प्रोडक्शन स्टेज से पास हो चुके हैं उनको आप कंज्यूमर गुड्स कह सकते हो. जैसे कि कोई खाना आपने बना दिया और उसको किसी कस्टमर को खिला रहे हो तो उसको एक तरह से कंज्यूमर गुड्स कहेंगे. प्रोड्यूसर गुड्स. दिस आर दोज गुड्स विच आर बींग यूज एज अ इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. तो ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंडक्ट करने में काफी यूजफुल होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ गुड कैन बी टर्म्ड एज अ प्रोड्यूसर गुड्स बिकॉज इट इज हेल्पिंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन. और इस गुड्स के जो एग्जाम्पल है वो है कॉटन कैन बी यूज इन ऑर्डर टू मेक द कॉटन क्लोथ. ट्रैक्टर कैन बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स. तो जो भी ट्रैक्टर का यूज किया जाता है फूड ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए, कॉटन का यूज किया जाता है ताकि कॉटन के क्लोथ बनाए जा सके, उनको आप प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हो क्योंकि ये किसी चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. थैंक यू.